हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू studyfree.com। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आईड्रॉपर टूल की और साथ ही साथ मेजर टूल की। तो अगर मैं आपको दिखा दूं, यहां पर आपको मिल जाता है आईड्रॉपर और साथ ही साथ आपको मेजर टूल मिल जाता है। आईड्रॉपर टूल का काम बेसिकली ज्यादातर हम लोग कलर को पिक करने के लिए यूज करते हैं। वैसे केवल कलर पिक करने के लिए आईड्रॉपर टूल का यूज नहीं है, आईड्रॉपर में आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। लाइक अगर मैं दिखा दूं तो यहाँ पर आपको मिल जाते हैं कि आप आईड्रॉपर से क्या क्या पिक कर सकते हैं। अगर किसी में ट्रांसपेरेंसी फिल है तो उसको भी आप पिक कर सकते हैं, और कलर तो आप पिक कर ही सकते हैं। ओवर प्रिंट है, अगर किसी के ऊपर ओवर प्रिंट है तो उसको भी कर सकते हैं, और कलर ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर आपको मिल जाता है। बहुत सारी चीज़ें भी आप कर सकते हैं, लाइक करेक्टर स्टाइल, करेक्टर में भी आप फिल कर सकते हैं कि करेक्टर की स्टाइल, जैसे कोई आपने टेक्स्ट लिया हुआ है उस टेक्स्ट को आपको करना है तो उसमें करेक्टर स्टाइल मिल जाता है, पैराग्राफ स्टाइल मिल जाता है, और यहाँ पर आपको बहुत सारे ये मिल जाते हैं। तो ये सब आप चेक करके देखिएगा। वैसे मोस्टली ज़्यादातर इसको कलर फिल करने के लिए ही यूज करते हैं। तो मान के चलिए मुझे इसमें कलर फिल करना है, तो आईड्रॉपर टूल से किस तरह से फिल करते हैं। तो मान के चलिए मुझे इसमें कलर फिल करना है और कलर का मुझे आइडिया नहीं है, तो हम लोग सबसे पहले चलते हैं वेबसाइट पर, कोई कलर चूज करते हैं। तो यहाँ पर मैं क्रोम ओपन कर लेता हूँ और मैंने यहाँ पर सर्च किया फ्लावर कलर, तो यहाँ पर बहुत सारे फ्लावर आ चुके हैं जो कि कलरफुल है। तो इसमें से मैं कोई चूज कर लेता हूँ, लाइक मैंने ये चूज कर लिया, ठीक है, और इसको मैं सेव कर देता हूँ। और सेव करने के बाद अब इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, लाइक मैं पहले से ही सेव कर रखा है। यहाँ पर अगर मैं दिखा दूँ ये, तो इसी को मैं ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पर ये रख लेते हैं। अब मान के चलिए मैंने यहाँ पर ये ले आया, अब हमें इसमें से कलर चाहिए। तो इसमें से कलर के लिए क्या करते हैं, आईड्रॉपर टूल से हम लोग बड़े ही ईजिली पिक कर सकते हैं। जैसे वेक्टर होता तो आप डबल क्लिक करके पता कर लेते कि कौन सा कलर फिल है, लेकिन आईड्रॉपर टूल से आप पता कर सकते हैं कि कौन सा कलर फिल है। तो अगर मैं आईड्रॉपर टूल लूँ और यहाँ पर एक बार क्लिक कर दूँ, तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये एक्चुअली फोरग्राउंड कहलाता है, यहाँ पर आपको मिल गया होगा। अगर मैं दिखा दूँ तो यहाँ पर ये इसकी आपको हेक्साडेसिमल कोड भी मिल गया है और आपको कलर भी मिल गया है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यहाँ से पिक करके और इसमें फिल करना, तो अल्ट के साथ अगर आप क्लिक करेंगे तो इसमें फिल भी हो जाएगा, वही सेम कलर जो हम लोगों ने यहाँ से लिया था। एक और तरीका जो हम लोग यूज करते हैं ज़्यादातर, वो क्या करते हैं कि जैसे कोई भी इमेज है उसको ले लेते हैं, लाइक दिस इमेज, ओके। और अभी तो इमेज है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो हम लोग क्या करते हैं कलर ले आते हैं और यहाँ पर स्वाचेस टाइप से बना लेते हैं। ये बना लिया और इसी को मैं कंट्रोल सी और भी कर देता हूँ एक बार और करेंगे, और इसको मैं यहाँ पर रख लेता हूँ लाइक दिस, और फिर से यहाँ पर रख लेते हैं और एक बार और करके मैं यहाँ पर हम लोगों ने बना लिया, ठीक है। अब इसमें हम लोग कलर फिल कर लेते हैं, इसमें से कुछ कलर जो हम लोगों को चाहिए हैं। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, दो से तीन कलर चूज कर लेता हूँ, आईड्रॉपर टूल लूँगा, यहाँ से मैंने ये पिक किया और यहाँ पर मैंने अल्ट के साथ फिल कर दिया, और यहाँ से मैंने ये वाला कलर पिक किया और एक्चुअली ये सिलेक्ट था तो इसमें हो गया। तो अभी मैं येलो कलर पिक करता हूँ और इन सब में येलो कलर फिल कर देता हूँ, और अगर मैं फिर से यहाँ से फिल करता हूँ, क्लिक एंड फिल, और यहाँ पर मैं इसको फिल कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसका थोड़ा सा डार्क कर ले लेता हूँ, ओके। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि हमने इस फ्लावर से कलर को चूज कर लिया है। अब ये सारे कलर हम लोग अगर चाहें तो अपने इसमें फिल कर सकते हैं। तो मैं इसको पूरा सिलेक्ट करके और आईड्रॉपर टूल लेकर के भी आप अगर चाहें तो आईड्रॉपर टूल से भी फिल कर सकते हैं, या फिर आप इसकी प्रॉपर्टीज़ के थ्रू भी कर सकते हैं। तो मैंने ये देखा, मुझे अच्छा नहीं लगा, दूसरा लिया, यहाँ से तीसरा लिया, और भी ले सकते हैं। लेकिन अगर मैं अभी आपको दिखा दूँ तो अभी इसमें बहुत ही भद्दा कलर लग रहा है, बहुत ही अच्छा नहीं लग रहा है। एक्चुअली क्या है, इसमें अगर आप इस तरह से फिल करना चाहते हैं तो इसके लिए या तो आपको ग्रेडियंट टूल यूज करना पड़ेगा, या फिर आप मैश से तो आप बहुत ही अच्छे से फिल कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं आपको जूम करके दिखा दूँ तो यहाँ पर आपको शेडो भी दिख रही थी, इसमें शेडो भी ऐड की गई है, और एक्चुअली ये तो रियल फ्लावर है इस वजह से ये ऐसा दिख रहा है। और अगर हम लोग ये वेक्टर बनाते हैं तो इसमें हम लोगों को शेडो वगैरह ऐड करके बनाना पड़ेगा। तो ये वीडियो में मैं आपको केवल और केवल कलर पिक करना बताया था कि किस तरह से आप आईड्रॉपर से कलर पिक कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट टूल की बात करते हैं जो कि है मेजर टूल। अगर मैं यहाँ पर आकर के इसको ले लेता हूँ, मेजर बेसिकली क्या होता है कि कोई भी हम लोगों ने शेप बनाई हुई है उसकी मेजरमेंट करने के लिए होता है कि इसकी हाइट ब्रिथ आपको देखना है तो वो देख सकते हैं,
आप कलर भी देख सकते हैं कि कितना फिल है। अगर लाइक में इसमें तो कलर का पता नहीं चलेगा क्योंकि बहुत सारे हैं, लाइक में इसको ले लेता हूँ ठीक है। और इसको हम लोग मेजर करते हैं कि इसमें कितना है। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक ले करके आता हूँ और अगर मैं रिलीज कर दूंगा तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक्स बैट्रिक्स से वाई बैट्रिक्स कितना है। एक्चुअली यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये रूलर्स हैं, इनसे एक्स और वाई बैट्रिक्स दिख रहा है। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप व्यू में जाइए और आपको यहाँ पर मिल जाएगा रूलर। और आप इसका शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं जो कि है Ctrl+R। और यहाँ पर आपको कलर भी दिख रहा है और यहाँ पर आपको एंगल भी दिख रहा है कि इस किस तरह से, अगर मैं फिर से करूँ लाइक दिस, तो आपको हाइट विड्थ भी दिखा रहा है, एंगल दिखा रहा है, एक्स से वाई वर्टेक्स कितना है ये भी दिखा रहा है आपको, और इसमें कलर कौन सा फिल है तो ये भी दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ पर लाता हूँ तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर क्लिक करके और मैं कैंसिल कर देता हूँ पहले इसको, और मैं क्या करता हूँ इस पर क्लिक कर देता हूँ ठीक है। तो क्लिक करने के बाद अभी मेजरमेंट इसकी आपको दिख रही होगी कि कितना है। और इसी का कलर मैं अगर डबल क्लिक करूं तो अभी आपको दिख रहा होगा यहाँ पर FD3D, ये सेम वही है। यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, तो ये आपको यहाँ पर दिखा देता है कि, और साथ ही साथ आपको इसकी RGB भी दिखा देता है, RGB रेड ग्रीन ब्लू कितना फिल है, तो ये भी आप यहाँ से मेजरमेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही है, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, साइनिंग ऑफ।